पार्टीज की शान और सेलिब्रेशंस की जान रही ये बियर शायद अगर ना होती तो साल के 12 महीने सेलिब्रेट होने वाले सेलिब्रेशंस और जीत की खुशी का मजा इतना नहीं होता, है ना। वैसे अल्कोहल और बियर जैसे ड्रिंक्स का सेवन करना अच्छा तो नहीं होता है, पर फिर भी लोग इस बियर का सेवन बड़ी शान से करते हैं। आज का हमारा ये सफर बियर लवर्स को काफी पसंद आने वाला है। बियर पीने वाले लोगों ने बियर तो कई बार पिया होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इस बियर को यहाँ आपके हाथों तक पहुँचने से पहले कितने लंबे सफर से गुजरना पड़ता है। जी हाँ, और आखिरकार इसे फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, आज मैं बियर लवर्स के लिए चलने वाला हूँ एक ऐसी फैक्ट्री की ओर जहाँ हम देखेंगे कि उस फैक्ट्री में इन बियर्स को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग सफर की ओर। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो कई फैक्ट्रीज बियर बनाती हैं, पर यहाँ पर ये फैक्ट्री बियर बनाने वाली एक बहुत ही बड़ी कंपनी की फैक्ट्री है जहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी की बियर बनाई जाती है। सामने दिख रही इस फैक्ट्री के अंदर चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। देखिए, फैक्ट्री में यहाँ पर इस तरह के कई सारे प्रोसेस किए जा रहे हैं, पर सबसे पहले बियर बनाने की शुरुआत होती है यहाँ पर रखे हुए इस अनाज से। बियर को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और ये अनाज दूर दराज से अलग अलग हिस्सों से खेतों में होने वाले गेहूं, चावल, जौ जैसी अच्छी क्वालिटी के अनाजों को खेतों में उगाकर हार्वेस्टिंग के बाद इस तरह से ट्रकों में भरकर यहाँ पर इस फैक्ट्री में लाया गया है। फैक्ट्री में यहाँ पर सबसे पहले अनाज को अंकुरित करने का काम किया जा रहा है जिसमें करीबन 4 से 5 दिन का समय लगता है। अब ये काम भी काफी टेक्निकल है क्योंकि अगर अनाज अंकुरित नहीं हुआ तो फिर इससे बियर नहीं बनाई जा सकेगी। पर फैक्ट्री के वर्कर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाज को अंकुरित करने के लिए क्या करना चाहिए। ये इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करके अनाज को अंकुरित कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कैसे अनाज 4 से 5 दिन में ही अंकुरित हो चुका है और अब इसे एक बड़े से टैंक में डाला जा रहा है। इस टैंक में ढेर सारा पानी भी मिलाया जा रहा है और अनाज के साथ में पानी को मिलाने के बाद अब इसमें खमीर को डाला जा रहा है जो कि एक खास तरह का फंगस होता है जिसे मिलाने से अनाज में सड़ने की प्रक्रिया होने लगती है और अनाज सड़ना शुरू हो जाता है। और आप सभी शायद ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसी प्रोसेस का इस्तेमाल ब्रेड को बनाने में भी किया जाता है। जी हाँ, हमने ब्रेड बनाने वाली वीडियोस में आपको दिखाया है जिसमें ब्रेड का आटा फूलकर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जिससे उसका स्वाद भी बदल जाता है। खमीर हर चीज को सड़ाकर फुला देता है और इसी काम को करने के लिए खमीर को इस टैंक में डाला गया है। खमीर डालने के बाद यहाँ पर इस फल को देखिए, ये फल होप्स फल है जिसको बियर बनाने के लिए इससे टैंक में डाला जाता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इस फल को क्यों मिलाया जाता है, तो दोस्तों अक्सर आपने अगर कभी बियर पी होगी तो इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि बियर में एक बहुत ही खास तरीके की गंध और बड़ा ही अलग सा स्वाद होता है जो किसी दूसरे खाने पीने की चीजों में नहीं होता है। ये अलग गंध और स्वाद असल में इसी फल का होता है जो कि शंख के आकार का एक फल है। इसी की गंध और स्वाद बियर में मिलती है और इसे ही इस टैंक में डालकर सभी चीजों को मिलाकर टैंक में इन सब चीजों को उबालने का काम शुरू हो चुका है। अब देखिए, बियर बनाने के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट को इस तरह से इस बड़े से टैंक में 3 से 4 घंटे तक उबाला जाता है। उबालने का ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उबलते समय टैंक का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जा रहा है और पानी कम होने से अब यहाँ पर अंत में केवल ये सभी चीजें ही बची हैं। अब इस मटेरियल को यहाँ इस टैंक से बाहर निकालकर फैक्ट्री में अगले प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है जहाँ पर इस अगले प्रोसेस में इस पूरे मटेरियल को धूप में सुखाया जाएगा। लोकल फैक्ट्रीज में जहाँ इसे धूप में सुखाया जाता है वहीं कुछ बड़ी फैक्ट्रीज में एक बंद कमरे में धूप जैसा एनवायरमेंट बनाकर इस पूरे मटेरियल को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें से नमी निकल जाए और ये पूरी तरह से सूख कर सख्त हो जाए। सूखने का काम जल्दी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस पूरे मटेरियल को फिर से एक दूसरी जगह पर ले जाया गया है जहां पर इस मटेरियल को गर्म किया जा रहा है। गर्म करने का ये काम इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर धूप में सूखने के बाद भी इसके अंदर नमी रह गई हो तो वो नमी भी पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब इस पूरे मटेरियल को एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन में डाला जा रहा है या ग्राइंडिंग मशीन इस पूरे मटेरियल को पीसने का काम करती है। कुछ ही मिनटों में ग्राइंडिंग मशीन से ये मटेरियल पीस कर पाउडर बन चुका है
अब इस पाउडर से ही आगे बियर बनाने का प्रोसेस किया जाएगा। दूसरी तरफ फैक्ट्री के इस हिस्से में एक टैंक में गुड़ और चीनी वाला पानी का घोल बनाया जा रहा है। ये घोल बहुत जरूरी हिस्सा है बियर को बनाने के लिए। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में पहले ही बन चुके अंकुरित अनाज, होब्स, फल और खमीर के उबले हुए मिश्रण के पाउडर को यहाँ पर फैक्ट्री के इस हिस्से में गुड़ और चीनी के पानी वाले इस घोल में डाला जा रहा है। इस टैंक में अब क्योंकि इस पाउडर में खमीर पहले से मिला हुआ है, इसीलिए गुड़ और चीनी वाले इस पानी में पाउडर को डालते ही खमीर की वजह से सड़ने की प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। टैंक के अंदर ये पाउडर कुछ ही घंटों में सड़ना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद सड़न की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने के बाद ऊपर की तरफ ढेर सारा झाग और नीचे की तरफ तरल पदार्थ बनना शुरू हो जाता है और इस तरल पदार्थ को टैंक से बाहर इस तरह से निकाल लिया जाता है और एक दूसरे टैंक में भर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसी लिक्विड से आगे बियर बनाई जाएगी और इस लिक्विड में अल्कोहल की मात्रा को भी मिलाया जाता है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसीलिए बियर को पीने के बाद ना अल्कोहल जैसा नशा नहीं होता है। अब इस लिक्विड को इन दूसरे टैंक्स में स्टोर करने के बाद इन्हें आगे फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से यानी कि स्टोरेज रूम में भेजा जाता है, जहां पर बड़े बड़े लकड़ी के बने ड्रमों के अंदर इन खास लिक्विड को भरकर 3 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी लिक्विड को जब 3 महीने के बाद इन ड्रम से बाहर निकाला जाएगा, तब ये पूरी तरह से बियर बन चुकी होगी और 3 महीने का लंबा इंतजार फैक्ट्री में किया जाता है और तब तक बियर बनाने के दूसरे बैच की बियर बनाने का काम बैकग्राउंड में चलता रहता है। और यानी कि 3 महीने का साइकिल लगता है इस बियर को बनने में। 3 महीने पूरे हो जाने के बाद यहाँ से इन ड्रमों से बियर को बाहर निकाला जाता है और टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। टेस्टिंग का ये काम भी फैक्ट्री के अंदर बने हुए एक खास लैब में होता है, जहां पर इस तरह से बियर के सैंपल्स को जांचा जाता है और कंपनी के सेट किए गए स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर इन सभी सैंपल को टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि इसका स्वाद और महक सभी चीजों की मात्रा ठीक है या फिर नहीं। सब कुछ सही मिलने पर आगे इसे प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा दिया जाता है और इस बैच में बने हुए बियर को हरी झंडी दिखा दी जाती है। पर जो बियर इस टेस्ट में फेल हो जाती है, उनको दोबारा से स्टोरेज रूम में कुछ महीनों के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है और वापस से टेस्टिंग की जाती है। अब प्रोडक्शन लाइन की ओर बियर तो आ चुकी है, लेकिन अभी उन बॉटल्स को बनाया जाना बाकी है जिन बॉटल्स के अंदर इन बियर को भरा जाएगा। इसके लिए फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में बॉटल्स बनाने का काम हो रहा है। कांच के टुकड़ों को फैक्ट्री में बनी हुई इस बड़ी सी भट्टी में डालकर कांच को पिघलाया जा रहा है। इस भट्टी के अंदर 1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है और कांच को पिघलाने का ये काम काफी रिस्की होता है, क्योंकि पिघला हुआ कांच इतना गर्म होता है कि अगर गलती से किसी के पैर पर आ जाए ना, तो शायद उसका पैर ही गायब हो जाएगा। पिघले हुए कांच को यहाँ पर इस तरह से निकाल कर एक मशीन के मोल्ड से इस तरीके से गुजारा जाता है, जहां पर इस मशीन से मोल्ड के अंदर ये कांच बोतल के रूप में बन जाती है। देखिए कैसे ये कितनी फुर्ती से ये मशीन कांच की इन बोतलों को बना रही है। कुछ ही देर में देखते देखते सैकड़ों बोतलें बन जाती हैं और ये बोतलें क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए मशीन से निकलने के बाद इन्हें सबसे पहले ठंडा करने के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर बोतलों के ठंडे हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री के हिस्से में बोतल की धुलाई का काम किया जाता है, जहाँ बोतलों को अंदर और बाहर से धोया जाता है और अब ये बोतलें बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिन्हें फिलिंग एरिया में भेजा जा रहा है। फिलिंग एरिया फैक्ट्री का वो हिस्सा है जहाँ पर बोतलों के अंदर बियर को भरा जाएगा। फिलिंग एरिया में एक तरफ से खाली बोतलें एक कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से आगे बढ़ती हैं और दूसरी तरफ पहले से बनी हुई बियर जो कि फिलिंग मशीन में टैंक के अंदर भरी हुई है, ये बड़ी सी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन अपने नोजल के जरिए फटाफट कन्वेयर बेल्ट पर आ रही बोतलों में बियर को भर देती है और इसी मशीन में कंपनी के ब्रांड नेम वाली स्टीकर की एक रिफिल लगी होती है। अब ये स्टीकर भी मशीन फटाफट बोतलों पर चिपका देती है और आगे बढ़ते हुए मशीन के दूसरे हिस्से पर इस ढक्कन को लगाकर इसे सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ फैक्ट्री में बियर बड़ी ही तेजी के साथ बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों वैसे दो बियर अल्कोहल और इस तरह की जितनी भी नशीली चीजें हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए। जी हाँ, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको बियर की फैक्ट्री का विजिट करवाना था, ये बताना था कि बियर बनती कैसे है, ये बताना कतई नहीं था कि भैया ऐसे बनती है और ऐसे गटक जाओ, है ना।
सेहत का ध्यान रखिए, दूर रहिए। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।